हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और आप सभी को जय गुरु। और यहाँ पे मैं देखिए बाल धुल रही हूँ, ये मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इस पे मैंने पहले भी दो वीडियो एक्चुअली बना बना करके मुझे डिलीट करना पड़ा। मतलब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इसको शूट करूँ। तो फाइनली आज मैंने चलो इसको अपलोड कर ही दिया। तो गाइज ये देखिए, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। तो ये शैम्पू जो है वो, जैसे मैं तेल वेस्टेज का यूज करती हूँ, शैम्पू भी वही है। तो मैं 2-3 महीनों से, ये मेरा तीसरा फाइल है। तो पहले तो सिर्फ मैं यूज करती थी, लेकिन अभी क्या है कि सभी लोग यूज करते हैं। बाबू दोनों भी, मेरे हस्बैंड भी यही शैम्पू लगाते हैं। और यहाँ पे मैं देखिए सिंदूर छुड़ा रही हूँ। तो बाल धुलने के टाइम हम लोग सिंदूर को साफ करते हैं और फिर बाल धुलने के बाद फिर सिंदूर लगाते हैं। तो ये यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि पानी से बाल धुल लीजिए। तो जैसा मैंने किया है वीडियो में, आप लोग देखते रहिए शुरू से लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं पानी से धुल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं शैम्पू करती हूँ। तो शैम्पू उसी में डालती हूँ, यानी मग है तो मग में मैंने शैम्पू डाल दिया, पानी डाल दिया, उसको घोल करके बालों में लगाया। डायरेक्टली शैम्पू बालों में नहीं लगाती हूँ, और जब भी मैं लगाती हूँ तो ऐसे ही घोल करके ही लगाती हूँ। और सबसे पहले ये बात का ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले अपने बालों को गीला कर लीजिए, यानी बालों को धुल लीजिए, उसके बाद फिर शैम्पू लगाइए। तो जैसा कि मैं यहाँ पे वीडियो में कर रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। तो मेरा बाल थोड़ा सा गंदा नहीं कह सकते, एक्चुअली क्या है कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल है। मेरा कल सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने 2 दिनों से दर्द हो रहा था। तो मैंने दोनों दिन बहुत ज़्यादा तेल लिया, कभी ठंडा तेल लिया यानी नवरत्न, कभी कभी सरसों का तेल लिया। मतलब यानी कि किसी तरह दर्द रुके, इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा तेल लिया, इसलिए मुझे 2 बार शैम्पू करना पड़ रहा है। तो और अगर बाल उतना गंदा नहीं है तो एक बार ही मैं करती हूँ, ज़्यादातर मैं एक बार ही करती हूँ, लेकिन एक बार में ऑयल सारे नहीं निकले थे, बहुत ज़्यादा ऑयल था, इस वजह से मुझे दूसरी बार शैम्पू करना पड़ा। तो आप लोग देख, और हल्के, ऐसा नहीं आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन मैं हल्के हाथों से बिल्कुल ये कर रही हूँ। मैं ज़्यादा बालों में शैम्पू लगा करके बालों को रगड़ती नहीं हूँ, उससे बाल क्या होते हैं, टूटते हैं, इस वजह से मैं। और जब भी मैं शैम्पू करती हूँ तो हल्के हाथों से उसका मालिश करती, मतलब यानी बालों को रगड़ती हूँ, ज़्यादा तेज़ रफ नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल, मतलब ये है ना कि उससे क्या होता है, बाल झड़ते हैं। और यहाँ देखिए दोनों बाबू मेरी यही है, छत पे घूम रही है। तो गाइज इसको इग्नोर कीजिएगा, गर्मी का मौसम है तो वो पैंटी और बनियान में ही है, क्योंकि गर्मी है। और अभी सुबह का ही टाइम होगा, हमने नहा धो लिया है, उसके बाद मैं आई हूँ ऊपर बाल धुलने के लिए। और तो यहाँ पे देखिए मैं बाल धुल लेती हूँ। और देखिए कंडीशनर मैं लगा रही हूँ, आजकल पैंटीन का कंडीशनर लगा रही हूँ, जो कि वहाँ पे देखिए बगल में रखा हुआ है। तो और देखिए शैम्पू लगाने के बाद मैं कंडीशनर लगा ले रही हूँ। पहले मैं लगाती थी लिबॉन लगाती थी, बट अभी मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से मैंने छोड़ रखा है लिबॉन। और अभी मैं देखिए कंडीशनर लगाने के बाद करीब 1 मिनट तक आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप बालों को धुल लीजिएगा अच्छे से। तो मैं इसमें देखिए सेम ये सॉरी कंडीशनर में लगा ली हूँ, और उसके बाद मैं ऐसे थोड़ी और एक ये बालों की जड़ों में कंडीशनर को नहीं लगाइएगा। जब भी लगाइएगा तो आप जो सिर्फ बाल होते हैं आप बाल में ही लगाइएगा कंडीशनर, ये बात का विशेष ख्याल रखिएगा गाइज। तो चलिए 1 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देखिए 1 मिनट के बाद फिर मैं बाल धुल रही हूँ, और बाल को मैं कैसे लास्ट में धुलती हूँ ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो और मैं अभी यहाँ क्या है, मैं पानी कम यानी एक बकेट से भी कम लाई थी, और नीचे बाथरूम में अगर बाल धुलती तो वहाँ ज़्यादा पानी रहता है, तो आप एक बकेट भर करके अपने बालों को उसमें डुबो करके निकालिए, उससे बाल काफ़ी मतलब ऐसा हो जाता है ना, मैं बाल नहीं भी झाड़ती हूँ ना, बाल सूखने के बाद मैं झाड़ती हूँ तो मुझे मेरा बाल लगता है कि जैसे कि झाड़ा हुआ है, इस तरह से लगता है।
मैं कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करती हूँ, जब भी करती हूँ तो मेरे बाल सूख जाते हैं उसके बाद ही करती हूँ। तो इस तरह से आप कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो पानी कम है यहाँ पे, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि एक बकेट पानी रहेगा तो उसमें ऐसे डुबोइएगा तो काफ़ी अच्छे से बाल आपके धुल जाएंगे। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, यहाँ छत पे पानी कम है इस वजह से मैंने आपको ऐसे बता दिया है। और वो ऐसे डुबो करके निकाल लीजिएगा, फिर आपको ऊपर से मग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी कम है इस वजह से मैं ऐसे करके धुल ले रही हूँ, क्योंकि उसका जो कंडीशनर है वो तो अच्छे से धुल जाना चाहिए। तो अब देखिए मेरे बाल अच्छे से लगभग धुल गए हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।